चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त हमें मटियाला विधानसभा के रेवला खानपुर गांव में और वहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी वर्तमान विधायक रहे हैं गुलाब सिंह और उसके पूर्व विधायक जो रहे सुमेश शौकीन, उनके कार्यकाल कैसे रहे, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पहलवान है जी। बताइए महेश जी, कैसा रहा अभी गुलाब सिंह का 5 साल का कार्यकाल? कार्यकाल में तो काम कराए हैं गुलाब सिंह ने, ये नहीं है जी हम बिल्कुल मना कर देंगे, काम नहीं किए, एक दो काम किए हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के काम कर सकता है सुमेश शौकीन, वो कोई नहीं कर सकता। तो आपको आपका क्या कहना है कि जो पहले 5 साल सुमेश शौकीन के रहे और अब की जो गुलाब सिंह के 5 साल बहुत अच्छे रहे हैं जी, जो सुमेश के उसमें थे, और जो ये आप बिजली पानी 3-4 महीने से जो फ्री हुई हैं, ये लगाओ ये 3-4 महीने के लिए, अगर हमारे सुमेश जी के कांग्रेस पार्टी का अगर हमारा नेतृत्व होता है और जीतता है तो न्यू देख लो जितनी जो सुविधा कांग्रेस पार्टी दे देगी वो कोई इसी और पार्टी नहीं दे सकती। जो है क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए जी, लोगों का तो यही है, सबका, हमारा भी यही मत है। आप भी बदलाव चाहते हैं? हम भी बदलाव चाहते हैं। तो अगर सुमेश शौकीन जीतते हैं तो क्या उनसे उम्मीद रखते हैं आप लोग? सुमेश शौकीन जीते यही उम्मीद है जी, काम करेगा गाँव का और जो भी हमारी तकलीफ है जिनकी भी वो दूर हुआ है। आपका क्या नाम है? श्यामलाल जी। बताइए श्यामलाल जी, कैसा कार्यकाल रहा अभी गुलाब सिंह का और जो पहले सुमेश शौकीन थे उनका कार्यकाल कैसा था? गुलाब सिंह ने जी 3-4 महीने तक काम किए हैं, पहले तो कोई ऐसा काम ना किया, और सुमेश शौकीन ने पिछले 5 सालों में कई गाँव की रोड बनवाई, कई काम कराए, और अब भी इन पर उम्मीद है कि जो वृद्धा पेंशन है वो है ये ज़्यादा बढ़ाओगे, इनने जहाँ छोड़ी थी वहीं क्यों रही है। तो इस विधानसभा चुनाव में किसको आप लोग पसंद करेंगे? हम तो सुमेश शौकीन को, हम तो चाह रहे हैं जी ये बदलाव हो जाए, कांग्रेस फिर का आ जाए जब हमारा काम चले, ना तो कोई वो रहा ना कुछ रहा, सब धंधे चौपट हो गए, कांग्रेस ने काम चलाए। आपका क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश। बताइए ब्रह्म प्रकाश जी, अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारा कैंडिडेट है सुमेश शौकीन वो जीते, और जो है उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम किए और आगे भी करेंगे। अभी जो 5 साल गुलाब सिंह रहे उनका? देखो जी, मैंने तो कभी उनको गांव में देखा नहीं कि कभी आए ही ना आए, मैंने कभी नजर नहीं आए गाँव में। और आपका क्या नाम है? पूरी सिंह जी। बताइए, ये जो बिजली का फ्री का कराया इन्होंने और पानी का फ्री का कराया, ये खाली केजरीवाल जी ने एक लॉलीपॉप दिया है, किसान के बारे में कुछ नहीं किया, और जो पहले 200 यूनिट तो पहले भी माफ थी और इन्होंने माफ क्या कर दिया, कांग्रेस सरकार के टाइम से ही थी ये जितना भी था, अब ये फिर प्रलोभन देकर फिर लोगों को झांसे में देकर वोट अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये चुनाव आते ही ये सारे केजरीवाल ने ये सारे फ्री की चीज़ें की, ये हथकंडे अपनाए हैं खाली जनता को भ्रमित करने के लिए, ये काम नहीं किया इन्होंने, बस ये आप बातें ज़्यादा करी हैं, काम बिल्कुल नहीं है इनका, जमीन पर नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। तो विधायक जी अब की जो थे वो इलाके में आते थे या नहीं? भाई विधायक जी हमने तो देखे नहीं ना, हम मिले उनसे आज तक 5 साल का काम दिखा कि नहीं दिखा? भाई काम तो ये तो मैं बता तो रहा हूँ, ये शोर मचाने का काम है उनका, बिजली पानी का, बस और कुछ ना। 3 महीने तो हुए। आपका क्या नाम है? बीजी सिंह। बताइए सिंह साहब, कैसा रहा आपके MLA साहब का कार्यकाल? भाई काम तो कोई ऐसे खास कराया इसने नहीं। गुलाब सिंह ने कैसा काम किया? काम कराए थे 3 महीने, लोग बहका दिए, इमनी आगे बिल लिखता था उतने पद के दुनिया होंगे। और उसके पहले जो सुमेश शौकीन के 5 साल थे उसने ठीक करा था। तो अब की बार किसको देखना चाहेंगे? सुमेश की देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 8 फरवरी को जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। कैमरामैन गौरव के साथ विनय सिंह, ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।